बारिश के मौसम में आप सभी को पकौड़े खाने का मन होता होगा। इस पकौड़े को बनाने के लिए हमें प्याज काटना पड़ेगा। ये एक टेंशन वाली बात होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्याज काटने से आँखों से आंसू निकलते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि प्याज काटने से आंसू क्यों निकलते हैं। जब प्याज को आप देखते हैं, प्याज के जो लेयर्स होते हैं, प्याज के काटने पर जो उसके ऊपर सतह बनता है, उसके ऊपर जो ऑयली सरफेस होता है, उस ऑयली सरफेस पर सल्फर का ही एक कंपाउंड होता है जिसको हम एमिनो अम्ल सल्फोक्साइड कहते हैं। इसी तरह से जब हम प्याज को काटते हैं तो वास्तव में हम उसकी कोशिका को काटते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लैक्रिमेटरी फैक्टर सिंथेस एंजाइम जो कि हवा में है प्याज के काटने पर, और उसके सरफेस पर प्रेजेंट जो एमिनो अम्ल सल्फोक्साइड है, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट होते हैं तो इनके रिएक्शन से एक नया कंपाउंड बनता है। ये कंपाउंड होता है 1-प्रोपेनिल सल्फेनिक अम्ल। अब ये जो 1-प्रोपेनिल सल्फेनिक अम्ल होता है, ये 1-प्रोपेनिल सल्फेनिक अम्ल बहुत ही अस्थाई होता है। ये अनस्टेबल होने के कारण एक नए कंपाउंड में रीअरेंज हो जाता है। ये जो नया कंपाउंड बनता है, ये नया कंपाउंड कहलाता है सिन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड। ये जो सिन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड है, जब ये वाटर से रिएक्ट होते हैं तो H2SO4 बना लेते हैं, या हम कहें कि ये जो सिन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड है, जैसे ही आँखों तक पहुँचता है या आँखों के कॉर्निया या जो बेसल टीयर्स होते हैं उनके संपर्क में आता है, तो ये बेसल टीयर्स में जो जल होते हैं उनके साथ ये रिएक्ट करके ही H2SO4 में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस वजह से हमारी आँखें जो है वो जलन का अनुभव करती हैं। और इनके प्रभाव से जो आँखों में लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं जिनकी वजह से आँसू निकलते हैं, वह आँसू निकलने लगते हैं। अब इन आँसुओं के साथ ये जो कंपाउंड है सिन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड, ये हमारे आँसुओं के साथ बाहर निकलने लगते हैं। तो हमने ये देखा कि आँसू का निकलना जो है वो एक तरह से हमारी आँखों के लिए अच्छा है जब हम प्याज काटते हैं, क्योंकि ऐसा हमने समझा कि यहाँ पर H2SO4 बनता है, भले ही बहुत ही माइल्ड बनता है, जो हमारी आँखों को जलन का अनुभव करवाता है। तो आँखों के प्रोटेक्शन के लिए ही ये आँसुओं के साथ जो सिन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड है वो बाहर निकल जाते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से हमारी एक किचन की साधारण सी एक्टिविटी में भी केमिकल्स हैं और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस देखने को हमें मिला। अब हम बात करते हैं जब हम सुबह उठते हैं और उठकर हमारे दिन की शुरुआत जो है वो फ्रेश होने से होती है, और यहाँ पर हम टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो टूथपेस्ट में भी कई प्रकार के केमिकल कंपोजिशन देखने को मिलते हैं। इसमें आप देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉर्बिटॉल है, ग्लिसरीन है, सोडियम लॉरियल सल्फेट है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सोडियम फ्लोरोफॉस्फेट है, मेथाइल सैलिसिलेट है, ट्राइक्लोसेन है, और इसी प्रकार से कई और कंपोनेंट्स हैं। अलग अलग टूथपेस्ट में कुछ ना कुछ अलग अलग गुण पाए जाते हैं। इसमें सभी जो केमिकल्स हमने देखा, सभी का कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंस है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एब्रेसिव की तरह कार्य करता है, और हमारे दांतों के ऊपर लगे हुए जो परत है उसकी सफाई में भी काम आता है। इसी तरह से जो सॉर्बिटॉल है, ये टूथपेस्ट में वाटर के लॉस को कम करता है। जो ग्लिसरीन है वो टूथपेस्ट के अंदर फोम, जैसे ही हम ब्रश करते हैं तो जो फोम बनता है उसमें मदद करता है। जो सोडियम लॉरियल सल्फेट है, ये एक डिटर्जेंट की तरह कार्य करता है और हमारे दांतों में लगे हुए परत को कम करने का कार्य करता है। जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, वह टूथपेस्ट का जो बेस है उसे वाइट बनाता है और ओपेक बनाता है। सोडियम फ्लोरोफॉस्फेट जो है वो दंत क्षय को कम करने का कार्य करता है, साथ ही हमारे दांतों में होने वाली कैविटीज़ को दूर करने का कार्य करता है। और मेथाइल सैलिसिलेट जो है वो एक अच्छा फ्लेवर देता है। फ्लेवर के लिए दूसरे केमिकल्स भी प्रयोग हो सकते हैं अलग अलग टूथपेस्ट में।
इसी प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं ट्राइक्लोसैन का प्रयोग हुआ है, जो कि बैक्टीरिया को दूर करने के लिए या दूसरे जो गम डिजीजेस होते हैं उनको दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपने ये देखा कि किस तरह से हमारे दिन की शुरुआत टूथपेस्ट से हुई, और टूथपेस्ट में कई तरह के केमिकल्स हैं जिसकी एक्टिविटी से हमारे दांतों में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं और हम दांत साफ़ करते हैं। तो इस तरह से ऐसी ही कई चीज़ें जो हम अपने पूरे दिन भर की एक्टिविटी में प्रयोग करते हैं, हमारे पूरे जीवन को चलाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो इन सब में हम देखते हैं कि रसायनों का, केमिकल्स का प्रयोग हुआ। तो आप अब तक समझ गए होंगे कि हमारे दिन की शुरुआत से लेकर के जीवन को सरल बनाने से लेकर और जीवन को सुचारू ढंग से चलाने में किस तरह से केमिकल्स महत्व रखते हैं और किस तरह से केमिस्ट्री इन डेली लाइफ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ इस चैप्टर का नाम है, और यहाँ पर हम शुरू करते हैं कि केमिस्ट्री हमारे लिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो हमारा शरीर ही क्यों ना हो। हमारे शरीर की एक जो सुंदर रासायनिक संरचना है, हमारे शरीर में होने वाली जो विभिन्न केमिकल प्रोसेसेस हैं, इन सब में भी हम रासायनिक क्रियाओं का, रसायनों का महत्व देखते हैं। जब हम कई तरह से रंग बिरंगे हम कपड़ों की बात करते हैं, तो कपड़ों की जब हम बात करते हैं तो इनके रेशों की केमिस्ट्री होती है, कपड़ों के रंगों की केमिस्ट्री, डाई केमिस्ट्री होती है। घर में उपयोग में आने वाले कितने ही बहुलक हैं जिसका प्रयोग कई सारी चीज़ों में होता है, जैसे इलेक्ट्रिक उपकरणों में होता है, या हम जो बैग यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के जो खिलौने यूज़ होते हैं, छाते यूज़ होते हैं, रेनकोट यूज़ होता है, सब में केमिस्ट्री है, सब बहुलकों से बना हुआ है। साथ ही जो भवन निर्माण के लिए उपयोग में आने वाले मटेरियल्स होते हैं, जैसे सीमेंट है या इस्पात है, इन सब की एक अपनी केमिस्ट्री होती है। पेट्रोकेमिकल में जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ऐसे कई सारे ईंधन है जिसका प्रयोग हम करते हैं, जिसके बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है, या हम कहें कि हम अपने जीवन को सरल बनाने के लिए इन सब का प्रयोग करते हैं। हमारे घर में हम सफाई करते हैं, इसके लिए डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं, साबुन का प्रयोग करते हैं कपड़े धोने के लिए, इन सब की एक अपनी केमिस्ट्री है। घरों में साफ़ सफाई करने के लिए डिसइंफेक्टेंट्स का प्रयोग किया जाता है, और जब हम बीमार होते हैं तो विभिन्न प्रकार की औषधियों का प्रयोग करते हैं। तो क्या हम इन औषधियों को बिना केमिकल्स के सोच सकते हैं? नहीं, जितनी भी औषधियाँ होती हैं उन सब में केमिकल्स का डिफरेंट कॉम्पोजिशन होता है। अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग तरह की औषधियाँ होती हैं, और इन सभी में एक अलग केमिकल कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है। तो अब आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि केमिस्ट्री हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है, और इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो इस चैप्टर में हम केमिस्ट्री इन डेली लाइफ में, हम केमिस्ट्री के सारे क्षेत्र को तो नहीं ले सकते, लेकिन कुछ एक पार्ट को पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में क्या क्या महत्व है, और रसायन चिकित्सा में इसका क्या महत्व है, औषधियों के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे, और इसी प्रकार जो एंजाइम और जो ग्राही हैं, औषध लक्ष्य, उनके मध्य जो इंटरैक्शंस होती है, जो क्रियाएं होती है, उनके बारे में जानेंगे। औषधियों का शरीर पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, किस तरह से केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कैसे वो प्रभाव छोड़ते हैं हमारे शरीर पर, और कैसे बीमारियों को ठीक करते हैं, तो इनका एक अलग वर्ग है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही हम बहुत सारे कृत्रिम जो मधुरक हैं उनके बारे में जानेंगे, और जब हम बात करते हैं सब्जियों के परिरक्षण की, अचार बनाने की, जैम, जेली, मुरब्बा, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, तो तुरंत हमारे दिमाग में आता है परिरक्षक। तो इसमें हम प्रयोग करते हैं नमक, शक्कर या एसिटिक एसिड। तो इन सब के कुछ और एग्जांपल्स के बारे में हम समझेंगे इस चैप्टर में, और साथ ही हम एक पूरी परिमार्जक केमिस्ट्री, या हम कह सकते हैं परिमार्जक रसायन, जिसमें कि हम साबुन, डिटर्जेंट के डिफरेंट जो वैरायटीज़ हैं उनके बारे में जानेंगे, और ये किस प्रकार से क्रिया करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर में केमिस्ट्री इन डेली लाइफ में हम इन कुछ विशेष बातों के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि औषधियों में रसायन जो है वो क्या है।
ऐसे केमिकल जो सब्सटेंस होते हैं जिनका प्रयोग हम रोगों के उपचार के लिए करते हैं या हमारे शरीर में कोई दर्द होता है उसको दूर करने के लिए करते हैं, तो इसे हम दवाइयाँ कहते हैं, ड्रग्स कहते हैं, मेडिसिंस कहते हैं। तो इस ड्रग शब्द की जो उत्पत्ति है वो फ्रेंच शब्द ड्रोग से हुई है, DROUGE, और इस शब्द का अर्थ होता है शुष्क शाक या ड्राई हर्ब। तो औषधियाँ जो हैं वो क्या होती हैं? औषधियाँ बहुत ही कम आणविक द्रव्यमान वाली होती हैं, लगभग 100 से 500 ऐसे ये रसायन होते हैं जो कि बहुत बड़े आणविक लक्ष्यों से क्रिया करते हैं और आपस में बायोकेमिकल एक्टिविटी के द्वारा रोगों को ठीक करने का कार्य करते हैं। तो रासायनिक यौगिकों के द्वारा जब रोगों का इलाज किया जाता है तो इस तरह की पद्धति को रसोचिकित्सा या रसायन चिकित्सा कहते हैं। और इस रसायन चिकित्सा शब्द का प्रयोग सन 1913 में पॉल एर्लिक नामक वैज्ञानिक ने किया। तो इस शब्द का उन्होंने जब प्रयोग किया तो इसी वजह से जो आधुनिक रसायन चिकित्सा का जनक भी उन्हें माना जाता है। उन्होंने ये कहा कि जिन औषधियों के द्वारा जो संक्रमणकारी सूक्ष्म जीव हैं वे नष्ट किए जाते हैं या जिसके द्वारा किसी भी पोषक को कोई हानि नहीं पहुंचती है, तो इन्हें हम मेडिसिंस या दवाइयां कहते हैं और इन्हीं का प्रयोग जो है वो रसायन चिकित्सा कहलाती है। यदि हम दवाइयों को एक निश्चित मात्रा में प्रयोग करते हैं तो वह तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, लेकिन हम यदि दवाइयों की अनुशंसित मात्रा या डॉक्टर के प्रेस्क्राइब जो प्रेस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, कुछ ज़्यादा मात्रा में कर लेते हैं, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक हानिकारक होता है और प्राणघातक हो जाता है। आप सभी ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आयुर्वेदिक पद्धति में जितनी भी दवाइयों का प्रयोग होता है प्रायः सभी पौधों से संबंधित होते हैं। उसमें पौधों के छाल का प्रयोग होता है, कहीं पौधों के जड़ का प्रयोग होता है या फलों का प्रयोग होता है या बीजों का प्रयोग होता है। तो इस तरह से एक उदाहरण हम देखेंगे कि विलो नामक एक पौधा है जिसकी छाल का प्रयोग किया जाता है दवाई के लिए और दर्दनाशी के रूप में उसका उपयोग करते हैं। तो जब देखा गया एनालाइज करके तो ये जो विलो पौधा है इसकी छाल में जो दर्दनाशी है वो वास्तव में एक केमिकल होता है जिसका नाम है 2-हाइड्रोक्सीबेंजोइक अम्ल। तो ऐसे ही एक दर्दनाशक को हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, वो है एस्प्रिन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये दवाइयाँ हैं वो किस तरह से रसायन से जुड़ी हुई हैं। तो अब हम एक परिभाषा देख लेते हैं कि मेडिसिंस को यदि हम परिभाषित करें तो वो क्या होगा। तो ये प्राकृतिक भी हो सकती है, संश्लेषित भी हो सकती है। जैसा हमने देखा कि विलो पौधे की छाल में एक केमिकल सब्सटेंस है 2-हाइड्रोक्सीबेंजोइक अम्ल, तो इसलिए हम इसे नाम दे रहे हैं कि प्राकृतिक या संश्लेषित जो रासायनिक पदार्थ हैं जिनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के जो रोग है उनको ठीक करने के लिए या विभिन्न प्रकार के दर्द को कम करने के लिए किया जाता है, इन्हें हम मेडिसिंस या ड्रग्स या दवाइयाँ या औषधि कहते हैं। तो जब औषधियों का वर्गीकरण किया गया, औषधियों के वर्गीकरण में अलग अलग मानदंडों के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया। तो सबसे पहला जो मानदंड है वो है फार्मेकोलॉजिकल इफ़ेक्ट के आधार पर, या इसे कहते हैं भेषण गुण विज्ञानीय प्रभाव के आधार पर। ये जो वर्गीकरण है ये औषधियों के फार्मेकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पर आधारित होती है और बेसिकली ये डॉक्टरों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि इससे क्या डॉक्टर्स को पूरे रोगों के उपचार के लिए पूरी औषधियों का एक श्रेणी मिल जाता है। जैसे यदि हम एंटीसेप्टिक की बात करते हैं तो एंटीसेप्टिक का अर्थ है कि उसमें सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का गुण पाया जाता है और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को दूर कर सकते हैं ये एंटीसेप्टिक। इसी प्रकार जब हम दर्द निवारण की बात करते हैं तो ये एक पूरा ग्रुप होता है एनाल्जेसिक का, ये सभी दवाइयाँ जो है वो दर्दनाशी होते हैं, तो ये डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। दूसरा वर्गीकरण हम देखते हैं औषधि के प्रभाव पर आधारित। तो ये जो वर्गीकरण है ये मुख्य रूप से जो जैव रासायनिक प्रोसेस होती है तो उस पर आधारित होती है। तो
तो ये जो वर्गीकरण है वो विशेष जैव रासायनिक प्रक्रम पर औषधि के प्रभाव पर आधारित होती है, यानी शरीर में होने वाली जो बायोलॉजिकल बायोकेमिकल जो प्रोसेस है उस पर कैसे ये औषधि कार्य करता है इस पर आधारित होता है। जैसे हम ये जानते हैं कि एलर्जी जो होती है शरीर में वो हिस्टामिन के प्रभाव से उत्पन्न होती है, तो प्रति हिस्टामिन जो औषधि है वो इस हिस्टामिन के प्रभाव को कम करने का कार्य करता है। अब हम जानेंगे तीसरा वर्गीकरण जो है रासायनिक संरचना के आधार पर। तो जो रासायनिक संरचना होती है वो किस तरह से औषधि का इफ़ेक्ट डालती है शरीर के अंदर, इसको हम समझेंगे। तो जितने भी औषधियाँ होती हैं उनका जो लक्ष्य होता है वो जैव अणु होता है, क्योंकि औषधि को जब हम शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं तो ये जैव अणु पर जाकर टारगेट होती है। जैव अणु में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स ये सारे आते हैं। तो ये जो जैव अणु होते हैं जो सभी एक विशिष्ट रासायनिक संरचना लिए हुए होते हैं, और एक ही लक्ष्य पर कार्य करने वाले जो औषधियाँ होती हैं वे भी लगभग समान संरचना वाली ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर लक्ष्य वाला जो अणु है वो अगर समान है तो औषधियों का जो ग्रुप प्रयोग किया जा रहा है वो सभी औषधियाँ भी एक ही रासायनिक स्ट्रक्चर वाली होनी चाहिए। इसके उदाहरण में हम देखते हैं सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स में मुख्य रूप से हम देखते हैं कि सल्फोनामाइड होता है, और इस सल्फोनामाइड में हम देखते हैं सल्फा डाइजीन है, सल्फा पिरिडीन है, सल्फा थाइजोल है, तो ये सभी एक सल्फा ड्रग्स का पूरा एक ग्रुप हो गया। अगला हम देखेंगे लक्ष्य अणुओं के आधार पर। जैसा हमने देखा कि औषधियाँ जो हैं वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पर अटैक करती हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है या लिपिड्स है, तो इनसे क्रिया करती हैं। इन्हें कहते हैं टारगेट मॉलिक्यूल या लक्ष्य अणु, या इसको कहते हैं ड्रग टारगेट। तो समान संरचनात्मक विशेषता वाली जो औषधियाँ होती हैं उनका जब लक्ष्य पर क्रिया होता है तो वो भी समान क्रियाविधि द्वारा उस पर क्रिया करती हैं, यानी समान संरचनात्मक विशेषताओं वाली औषधियों की लक्ष्यों पर समान रूप से क्रियाविधि होती है। इस तरह का जो वर्गीकरण है वह केमिस्ट के लिए बहुत अधिक उपयोगी होता है।